हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जब हमने एग्जाम दिया था उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अभी नेगेटिव मार्किंग है पिछले दो एग्जाम से। तो अभी कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन है, डाउट हमेशा बना रहता है कि तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो तुक्के लगाने के भी दो नियम हैं, कब आपको तुक्का लगाना है, कब आपको नहीं लगाना है। ध्यान से इस वीडियो को देखना पूरे एंड तक और मैं बताऊंगा आपको कब तुक्का आपको लगाना है, कब नहीं लगाना है। देखो, दो दो सिक्के, एक एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है? एक हेड और एक टेल, दोनों का एक अपना अपना काम है। कभी आप क्रिकेट खेले हो तो हेड आता है तो एक को बैटिंग मिल जाती है, एक को फील्डिंग मिल जाती है। तो यही है कि कब आपको तुक्का लगाना है, कब नहीं लगाना है, उसका एक तरीका है। अगर आप उस सही तरीके से आप तुक्का लगा रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, और वहीं आप तुक्का अगर आप गलत तरीके से लगा रहे हैं तो आपको वहाँ घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है? अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, ठीक है? और 150 क्वेश्चन में से आपने 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक? अब आपने 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, उसमें से मान लीजिए कि 5-7 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं। आपने 95 एक्यूरेसी के साथ भी अगर क्वेश्चन किया तो मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है? तो अब आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे 120 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर चुका हूं और बचे हुए 30 क्वेश्चन के ऊपर मैं तुक्का लगा दूं, तो यहां आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन किए और आपके अगर 110 क्वेश्चन सही है, तो 110 का 2 में गुणा करोगे तो 220, और 10 क्वेश्चन के आप नेगेटिव मार्किंग करोगे तो 2.5 मार्क्स आपके कट रहे हैं, मतलब आपके 215 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। तो यहां आप एक सिक्योर हो कि आपका नंबर कंफर्म आना ही आना है यहां पे, ठीक है ना? क्योंकि इतनी ज्यादा मेरिट आपकी नहीं जाएगी। और यही आपने उस समय दिमाग नहीं लगाया, आपने बोला कि नहीं, हमको तो साहब टॉपर बनना है, और हमने 120 क्वेश्चन हमने कर ही रखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 30 क्वेश्चन में से हमारे मान लो कि 20 गलत हो जाएंगे, 10 फिर भी सही हो जाएंगे। अगर मान लीजिए वहाँ 10 आपके नहीं सही हुए, आपने 30 क्वेश्चन किए और 30 में से 25 गलत हो गए, और मान लीजिए 30 के 30 गलत हो गए, तो अगर 30 गलत होते हैं तो आपके नंबर कटते हैं, आप लगा लीजिए 0.5 कटता है एक का, तो क्योंकि 25% की है, तो आप हिसाब लगा लो आपके 120 क्वेश्चन, आपके अगर मान लो कि 120 में से भी आपके 110 सही थे, 10 वहां गलत, 30 यहाँ गलत, मतलब आपके 40 क्वेश्चन गलत, 40 दूनी 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चन गलत, और 80 का आपको अगर जो नेगेटिव मार्किंग आप काट कूट के निकालेंगे तो आप देख लेना कितने मार्क्स आपके बनने, आपके 180 से कम मार्क्स बनेंगे आपके। अब 180 से कम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होना ना नामुमकिन तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा आपका सिलेक्शन होना, 180 नंबर पर नहीं हो पाएगा। और यहीं एक दूसरा पहलू मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि आपने 70 क्वेश्चन किए, आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 80 क्वेश्चन भी आपके टोटल A to Z सही है, तो 80 80 का आप 2 में गुणा करोगे तो 160, और 160 पर मुझे नहीं लगता कि जनरल या OBC वाला कोई भी फाइट 160 पर कर पाएगा। तो वहाँ आपने 180 क्वेश्चन करके, और आपने अभी सोचा कि नहीं भाई नेगेटिव मार्किंग है, अब मैं तुक्का नहीं लगाऊंगा, तो वहाँ आप 180 मार्क्स लाके भी क्या कर लोगे? अगर आपने तुक्का मान लो लगाया भी नहीं, आप फेल तो यूं भी हो गए, 160 नंबर पे आपका नंबर नहीं आएगा, ये मैं लिख के आपको दे रहा हूँ। 160 से तो ऊपर ही जाएगी मेरिट, 180 से ऊपर ही जाएगी मेरिट जनरल OBC वालों के लिए, तो 160 पे आपका नंबर नहीं आने वाला है। तो यहाँ अगर आपने तुक्का नहीं लगाया तो आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैंने ये तुक्का नहीं लगाया, मैंने नेगेटिव का एक भी नंबर नहीं दिया, तो आपने कोई राष्ट्रपति अवार्ड नहीं जीत लिया है, आपने सिर्फ अपना घाटा ये कर लिया है कि आपका जो एक थोड़ा सा एक चांस बन रहा था, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी जो भी आपकी बन रही थी सही होने की, 1/ आपकी अगर मान लो 25% वो 1/4 प्रोबेबिलिटी तो है सही होने की, 3/4 अगर गलत होने की, तो 1/4 तो आपकी है सही होने की। तो आप वहाँ चांस ले सकते हैं कि अगर मान लो आपने 80-90 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, तो आप फिर, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, आप, मैं तो बोलता हूँ आपको, आप पूरे क्वेश्चन करके आइए, ठीक
ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 70% केसेस में ये होता है कि अगर आपने 40 क्वेश्चन मान लीजिए तुक्का मारे, तो 40 में से आपको समथिंग 50% आपको सही और 50% आपको गलत देखने को मिल जाते हैं। आप ऐसा करिए, एक मॉक लगाइए और मॉक में आप आपसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो बनाइए, और जो नहीं बन रहे हैं आप उनमें तुक्का लगा के देख लीजिए। तो 50 नहीं तो 60-40 का रेशियो तो रहता ही रहता है कि अगर आपने 40 क्वेश्चन को किया है तो मैं नहीं कहता कि 20 क्वेश्चन सही होंगे, 15 सही हो जाएंगे। तो 15 × 2 करेंगे तो 15 × 2 = 30, और नेगेटिव मार्किंग काट के लगा लीजिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा उसमें, कोई घाटा नहीं होगा, ठीक है ना। और अब आप बोलेंगे कि अभी तो मना कर रहे थे जब 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ तो फिर तुक्का नहीं लगाना चाहिए। तो मैं वहाँ तुक्का नहीं लगाने का सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि जब किस्मत ख़राब होती है तो वो एक कहावत है ना कि ऊँट पे बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है जब किस्मत ख़राब होती है, तो मैं वो वाली बात बता रहा हूँ। आप 120 क्वेश्चन करके आए और आपके क्वेश्चन अगर 40 गलत हो गए तो वहाँ आपका घाटा हो जाएगा, इसलिए मैं मना कर रहा था। और यहाँ आप अगर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है, इसलिए मैं तुक्का लगाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो यहाँ आप जो 120 क्वेश्चन जिस बंदे ने किए हैं वहाँ आप उसकी बराबरी भी कर सकते हो। आप बराबरी अगर नहीं भी कर सकते हो तो कभी कभी किस्मत का खेल ऐसा रहता है कि आप जो कट ऑफ जाती है उसके नियर बाई रहते हो और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। बेशक आपको फिर छोटी पीएससी मिले, कोई दिक्कत नहीं, इस बार तो पीएससी की पोस्ट भी नहीं है तो आपको सिविल पुलिस ही मिलने वाली है, पीएससी की इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप इस बात की तो टेंशन खत्म कर दें। अगर आपका सिलेक्शन होता है आप सिविल पुलिस में ही जाने वाले हो, पीएससी में नहीं जाओगे आप। पीएससी बहुत बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश में, पीएससी की अब कोई जगह खाली नहीं है, बटालियन की बटालियन पड़ी है, उनके रहने के लिए भी जगह नहीं है फिलहाल, तो इतनी सारी पीएससी फोर्स है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें कोई मतलब नहीं है करने का, मेरा बस कहने का यही मतलब था कि आप तुक्का मारो, लेकिन तुक्का मारो उस हिसाब से कि वहाँ आपको घाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जहाँ आपको कुछ दिख ही नहीं रहा कि हमारे सामने कुछ कोई ऑप्शन ही नहीं है तुक्का मारने के अलावा, तो मारिए तुक्का, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर तैयारी नहीं की, आपने अभी अगर पढ़ना चालू किया है किसी भी कारणवश, कोई भी मजबूरी आपकी रही है, या फिर आपने कभी तैयारी नहीं की, आपका पहला एग्जाम है, आपको लग रहा है कि भाई पहला एग्जाम है, हम सिर्फ एग्जाम सिर्फ देने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ देने के लिए जा रहे हो तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि आपसे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं 50, 60, 70, 80 जो भी आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको बनाइए, और जो नहीं बन रहे हैं ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके तुक्का ए ए ए ए ए ऐसे लगाते गए, आप उनको देखिए, स्किप करिए। कुछ ऑप्शन उसमें ऐसे रहते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन तो इसका नहीं है, तो उनको स्किप करिए, फिर आपकी क्या है चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर मान लो 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन को स्किप कर दिया, 3 बचे, अब 3 में से आपको अगर एक सही करना है तो आपके थोड़े से चांस तो बढ़े। जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है या 1/3 हो जाती है, वहाँ थोड़ी सी तो बढ़ जाती है, 25.33% में कितना अंतर हो जाता है, तो स्किप करिए। और कभी कभी ऐसा होता है हमको ये पता रहता है कि 2 ऑप्शन में से तो कोई भी नहीं, तो आप 2 बचे तो 50-50% आपके चांस हो गए। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुक्का मारिए बिना पढ़े, क्वेश्चन को पढ़िए। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ऐसे देखे हैं मैंने कि कभी हमने पढ़े हैं किसी ज़माने में या फिर किसी के मुंह से हमने सुने हैं, तो वो भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ यार ये चीज़ हमने सुनी तो थी, तो यार इसका ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, यार अगर ये हो सकता है तो इसको टिक कर दो। मतलब आपको थोड़ा सा वहाँ भी आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुक्का मारने के हिसाब से ही गए हो कि तुक्का ही मारना हमको तो पूरे 150 क्वेश्चन में। पहले आप करिए, जितने आपसे बन रहे हैं बनाइए, नहीं बन रहे हैं तो फिर स्किप कीजिए उनके ऑप्शंस को। और फिर भी जो क्वेश्चंस हैं जिनको आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, कभी देखा भी नहीं है, तो उनमें फिर आँख बंद करके तुक्का आप मार सकते हो भगवान का नाम लेके कि जय श्री राम, जय कृष्ण भगवान, जो भी हम जिस भगवान को मानते हो, वैसे तो सारे भगवान को मानते हम लोग, तो सिर्फ भगवान का नाम लो तो ज़्यादा बेटर है। भगवान का नाम लोगे तो सारे भगवान आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो बस यही 2-4 बातें बता रहा था मैं, क्योंकि ये एक आजकल बहुत, अभी मैंने देखा था एक कुछ दिन पहले, मेरा एक दोस्त है उसने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि मैंने तुक्का मारने की ट्रिक एक यूट्यूब से सीखी, किसी सर का नाम बता रहा था, पता नहीं क्या नाम था उन सर का, बोले कि उन्होंने जो ट्रिक बताई मतलब मेरे उसमें, अब उसकी किस्मत अच्छी थी
कि उन्होंने ट्रिक बताई और उसने अप्लाई किया और उसका हो गया। उसने उसने क्या किया कि उसके पास समय नहीं बचा मैथ और रीजनिंग करने का। उसकी जीएस और उसकी क्या बोलते हैं हिंदी बहुत बेस्ट है, मतलब होता है कुछ कुछ लोगों का कि कुछ सब्जेक्ट उनके बहुत बेस्ट रहते हैं, तो उसके पास समय नहीं बचा तो उसने क्या किया कि ऐसे ही स्किप वाला उसने मेथड अपनाया और उसने तुक्का लगाया, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो गए और उसका सिलेक्शन भी हो गया। आज ट्रेनिंग भी कर रहा है, अब बता नहीं रहा कौन से एग्जाम दिया था उसने, ठीक है। वो अगर ये वीडियो देखेगा तो हो सकता है फ़ोन भी करे मेरे को, तो यही बता रहा हूँ बस मैं। तुक्का में कभी कभी बहुत फ़ायदा भी हो जाता है और घाटा भी हो जाता है, ठीक है। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने ESICका एग्ज़ाम दिया था और एक क्वेश्चन था जो कि आया था, क्या नाम था उस क्वेश्चन का कि अपने जो क्या था, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ, उसके दो ऑप्शन में कंफ्यूज था मैं, और मैंने फिर भी उसको छोड़ दिया क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत कर रखे थे। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था वो, और उसकी मेरिट 162 गई थी और मेरे 161.5 मार्क्स थे, मतलब एक क्वेश्चन दो नंबर का था, और उस क्वेश्चन को मैं छोड़ के आया था, ठीक है। और आंसर मेरे को उसका पता भी था, दो क्वेश्चन थे, दो ऑप्शन में से पता था मेरे को, इसमें से या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर मैं वहाँ उसमें से एक लगा देता और सही हो जाता तो मेरा 100% सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैंने वहाँ पर नहीं लगाया तो मेरा सिलेक्शन 0.5 मार्क्स से नहीं हुआ, तो यही घाटा हो जाता है कभी। और वही किस्मत वाली बात है कि अगर किस्मत सही होती तो मैं लगा देता, लेकिन मैंने क्वेश्चन बहुत कर रखे थे और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मैंने कोई भी रिस्क नहीं ली, तो वहाँ मेरा घाटा हो गया बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से आपको तुक्के लगाने हैं। तुक्के तो आप लगाओगे, ऐसा तो है नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 90% लोग तुक्का लगाते ही हैं। उनको ऐसा लगता है कि माल आपने अगर 130 क्वेश्चन भी किए ना, आपके अगर 20 क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप सोचते हो कि अरे यार तुक्का लगा ही दो, टॉपर तो बन ही जाएंगे, नहीं तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन खासकर ज़्यादा मार्क्स जिन्होंने इसको जो स्कोर करना चाहते हैं कि ज़्यादा मार्क्स कर लें, वो बेशक करिए आप, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि अगर आप अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं शुरुआत में ही, तो फिर तुक्का मत लगाइए आप, ठीक है ना। आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि वैकेंसी दो चार साल में आती है, बार 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 कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। आप मान लो अगर दो साल बाद फिर वैकेंसी आएगी और फिर तीन साल बाद आप लगोगे, तो तीन साल का आप अगर रेवेन्यू निकाल के देखोगे तो आपको 10 लाख का नुकसान है आराम से, ठीक है। तो रिस्क मत लीजिए, अगर आपका अभी सिलेक्शन हो रहा है तो अभी ले लीजिए, ठीक है। जय हिंद।